राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को जेपीएनआईसी जाने से रोकने के लिए एलडीए ने गेट पर ताला लगा दिया। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर अखिलेश यादव को उन्हें श्रद्धांजलि देने जाना था, लेकिन सपा मुखिया को अंदर नहीं जाने दिया गया। ऐसे में जेपीएनआईसी का गेट बंद होने पर अखिलेश यादव गेट फांद कर अंदर दाखिल हुए और जयप्रकाश नारायण की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। बताया जा रहा है कि एलडीए ने सुरक्षा कारणों की वजह से अखिलेश यादव को जेपीएनआईसी में जयप्रकाश की प्रतिमा पर माल्यार्पण कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी थी। इसके विरोध में बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए। वहीं जेपीएनआईसी के भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई। अफरा तफरी के इस माहौल में लखनऊ का सियासी पारा हाई हो गया है। परिस्थितियों में उस समय पर चरम सीमा पर महंगाई थी, चरम सीमा पर बेरोजगारी थी, चरम सीमा पर भ्रष्टाचार था और न जाने कितना उनके साथ देश के समाजवादी नेताओं को जेल जाना पड़ा। इमरजेंसी लगी और जिस समय वो पीजीआई अस्पताल में थे, उस समय जो उन्होंने जेल डायरी लिखी उसमें लिखा कि मैं कैसे सोच सकता हूँ एक लोकतांत्रिक देश में इमरजेंसी लग जाएगी। उसमें न जाने कितने लोगों को जेल भेजा गया, कई लोग कई वर्षों रहे और उस पीड़ा को, उस तकलीफ और परेशानी को जीवन भर नहीं भूल पाए। लेकिन जो नारा दिया था संपूर्ण क्रांति का, जो जगाने का काम किया था, उसमें परिवर्तन लाने का काम हुआ और किया जनता ने।